हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलखुश। आज मैं बताने वाला हूँ कि आपको हार्बर लाइफ में आई चैनल पे डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करने का और उसके बाद में इधर लिखने का myherbalife.com। ठीक है, ये इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ myherbalife.com पे। और जैसे ही ओपन होता है, ये ओपन हो गया है, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जिसके आईडी के ऊपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उनके, जो मेरी आईडी दिख रही है उस पर एक नई आईडी का करना है, माधुरी राजेंद्र RKEDR राजेंद्र 358@gmail.com। ओके, इसमें पासवर्ड एंटर कर दीजिएगा। इसका जो भी पासवर्ड है, पासवर्ड एंटर कर देता हूँ और इसके बाद इसको लॉगिन कर देता हूँ। जैसे ये लॉगिन होता है, इस आई डी पे मैं आई चैनल पे अपलोड कैसे करते हैं बताने वाला हूँ। लॉगिन हो रहा है, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है शायद। ये लॉगिन हो गया, आप देख सकते हैं लॉगिन हो गया है। इसके ऊपर आई चैनल पे कैसे अपलोड करना है, यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ। जिसको भी सेव करना है वो भी कर सकते हो। और ये देख सकते हो आप, राजेंद्र माली ओके एसोसिएट है। इसके दस्तावेज अभी देख लेंगे आप बाकी है, तो ये लर्न मोर इस पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद यहाँ आ जाएंगे अपलोड योर डॉक्यूमेंट नाउ। जैसे ये ओपन हो गया है ओके यस, अब यहाँ इस पर अप्लीकेशन दिखा रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। साइन इन अप्लीकेशन अपलोड करनी है इस पर, तो उस पर क्लिक करते ही एक बीच में आएगा, नहीं आएगा, वापस क्लिक करेंगे। यस ये आ गया। और चूज फाइल करनी है, फाइल वाली ये ले इसमें से जाना है। रिसेंटली मेरे पास एक ये हो गया, या अपलोड करने से ये अपलोड हो गया। ये आप देख सकते हैं नीचे आने वाला एक आ गया। फिर सेकेंड फाइल अपलोड कर, डायरेक्ट फाइल में जाने का इसके फाइल होगी। जो भी एप्लीकेशन है, साइन इन एप्लीकेशन है, उनको ऐसे अपलोड कर लेना है पहले यहाँ पर इसके अंदर। और ये तीसरा, तीनों हो गए हैं मेरे पास टोटल। इसमें 8 रहते हैं लेकिन 3 अपलोड करके हम जान सकते हैं। यहाँ से ओके कर लीजिएगा। ओके हो गया, साइन इन एप्लीकेशन हो गया। उसके बाद ये दिखा रहा है एड्रेस प्रूफ है, उसके अंदर मैं आधार कार्ड ले लेता हूँ। ये आधार कार्ड में यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ फाइल और इसमें जाता हूँ आधार कार्ड, ये एड्रेस प्रूफ वाला है, और ये अपलोड कर देता हूँ। दोनों तरफ से अपलोड कर सकते हैं, मैं दोनों तरफ से अपलोड कर लेता हूँ। तो एक आधार कार्ड हो गया, एक हो गया, तो ये दोनों अपलोड हो गए, ये हो गए। यस, अब इसको ओके कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ भी मांग रहा है, तो उसमें भी हम लोग आधार कार्ड ही देंगे। वापस इसको दो बार अपलोड कर लीजिए, दोनों तरफ से, एक ही पेज में दोनों तरफ से भी कर सकते हैं। और मेरे पास अलग अलग है तो मैं इनको अलग अलग कर देता हूँ। टोटल 10 फाइल एक बार में अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद एक और आएगा फ़ोटो, और जो भी है मैं सब कुछ अपलोड करके बता दूँगा आपको। ये हो गया, कितने 7 फाइल हो चुकी है, अभी 3 फाइल और है, वो आने वाली है। जस्ट ये हो गया।
उसके बाद FSSAI रजिस्ट्रेशन ये हो गया होगा। FSSAI देखेंगे, यहाँ क्लिक किया और ये लाइसेंस बना हुआ FSSAI फूड लाइसेंस, ये अपलोड कर लेता हूँ। ये अपलोड हो गया, इसको क्लिक कर लेते हैं। और एक एप्लीकेंट फोटो जिसका आईडी तो नहीं है उसका फोटो ले लेता हूँ। यस, यहाँ से फोटो अपलोड करने ले लेता हूँ। मेरे पास उसका फोटो तो नहीं है, चलिए तो मैं इसका फोटो अपलोड कर लेता हूँ। ऐसे करेंटली उन्हीं का फोटो अपलोड करना रहता है, ये हो जाता है तो देखते नहीं तो दूसरा करेंगे। यस हो गया है, देखेंगे यहाँ क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हो गया सारे डॉक्यूमेंट्स अभी मेरे पास अवेलेबल थे, सारे हो गए। अब इसमें आप लिख कुछ भी लिख सकते हैं, प्लीज़ अपडेट में आई डी कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं प्लीज़ अपडेट में आई डी लिख देता हूँ, ओके सबमिट कर देता हूँ, सेव एंड सबमिट। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही सेव एंड सबमिट किया और ये है गया, आप नीचे देख सकते हैं हर्बल एप्लीकेशन टाइम और दिन प्लीज अपडेट में एडिट करके हुआ है। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं व्यू अपलोड में अटैचमेंट, इसके अंदर आप जाके चेक कर सकते हैं। ये दो वर्किंग डेज में अपलोड हो जाएगा, यहाँ पर सब पेंडिंग पेंडिंग दिखा रहा है। जैसे ही ये अपलोड होगा तो यहाँ सक्सेसफुली हो जाएगा और आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। इसमें आपको और कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू।